इंदौर शहर को सुंदर बनाने के उद्देश्य से सब्जी मंडियों को नगर निगम उचित स्थान पर विस्थापित करने जा रही है, जिसको लेकर निगम कमिश्नर ने मुहिम शुरू करवा दी है। इंदौर नगर निगम के कमिश्नर आशीष सिंह ने बताया कि एक आदर्श शहर या स्मार्ट सिटी की पहचान होती है सब्जी मंडियां। ऐसे में सड़क पर लगने वाली सब्जी मंडियों को सही स्थान देना अति आवश्यक है। इसी क्रम में शहर के पिपलियाना क्षेत्र में लगने वाली सब्जी मंडी को आइडिया की सार्वजनिक जमीन पर लगवाने की कार्यवाही शुरू की गई है। निगम कमिश्नर की माने तो आने वाले सोमवार तक मंडी की दुकानें स्थानांतरित की जा सकती है। वहीं 45 सप्ताह तक रिमूवल टीम अतिक्रमण वाले जगहों का मुआयना करती रहेगी, ताकि खाली हुई जगह पर कोई दूसरा अतिक्रमण ना हो सके। साथ ही निगम कमिश्नर ने कहा कि नौलखा मंडी भी सड़क पर लगती है, जिसके चलते ट्रैफिक जाम होने की समस्याओं के साथ ही कई तरह की तकलीफें शहरवासी उठाते हैं। निगमायुक्त के मुताबिक नौलखा क्षेत्र में ऑटो डील वालों ने मंडी की जगह पर अपने वाहन खड़े करके कब्जा कर रखा है। निगम कमिश्नर ने बताया कि 2-4 ऑटो डील वाले ऐसे हैं जो अपने वाहन खड़े करके धीरे धीरे कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते सब्जी की दुकानें सड़क पर लगने पर मजबूर हैं। आशीष सिंह के मुताबिक उन्होंने क्षेत्र का दौरा किया है, जहां कुछ कागजी कार्यवाही के बाद जगह खाली कराई जाएगी और वहां मंडी की दुकानें लगवाई जाएगी। जो मंडियां हैं, एक किसी भी आदर्श शहर की, स्मार्ट सिटी की या किसी बड़े शहर की ये पहचान होती है कि कम से कम इस प्रकार के अतिक्रमण जो हमारे पब्लिक प्लेसेज हैं या सार्वजनिक आवागमन के मार्ग हैं उन पर होने चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ देखा गया कि ज़्यादातर मंडियां जो हैं वो रोड्स पर ही लगती हैं। तो शुरुआत करने के लिए सबसे पहले तो जो पिपलियाना वाली मंडी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चौराहा है, चारों तरफ से वहाँ पर ट्रैफिक चाहे भोपाल से हो या इंदौर के दूसरे साइड से हो वहाँ पर आता है। तो हम लोगों ने एक आइडिया की जो सार्वजनिक स्पेस की जगह है पिपलियाना तालाब के पास में, उसको आइडेंटिफाई किया है। कल सोमवार को हमने अनाउंसमेंट भी कराया है, सभी के साथ बातचीत भी की है, सभी लोग सहमत भी हैं। अगले सोमवार से जो मंडी है वो वहाँ पर लगेगी और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि इसका एग्जीक्यूशन 100% एफिशिएंसी के साथ में हो, कहीं पर भी कोई इसका वायलेशन ना हो। तो अगले 4-5 सप्ताहों तक हम लोग रिमूवल की टीम लगा के इस चीज़ को मॉनिटरिंग करेंगे। इसके अलावा एक जो नौलखा की मंडी लगती है वो भी पूरी रोड पे लगती है। जो ऑटो कार डील का मार्केट है, उसने सार्वजनिक स्थान पर कब्जा करके वहाँ पे 2-4 लोगों ने अपनी गाड़ियाँ वगैरह खड़ी करनी वहाँ पर चालू रखी है, जिसकी वजह से मंडी जो रोड पर लगती है उसको भी हम लोग ऑटो डील वाला जो स्थान है उस पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। सुबह मेरे द्वारा उसका विजिट भी किया गया है, 1-2 बार कागज़ देख के क्या कागज़ है, किसका क्या पोजीशन है, किसका क्या स्वामित्व है, उस हिसाब से मैं शाम तक को डिसाइड करूंगा और कोशिश करेंगे कि अगले थर्सडे की जो मार्केट है वो उसी स्थान पर लगे, न कि रोड पर लगे।